अगर बात आती है इंडिया में हिल स्टेशंस घूमने की, तो अक्सर सबसे पहले नाम मनाली का आता है। एंड व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल मनाली इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस विद जॉ ड्रॉपिंग नेचुरल ब्यूटी एंड ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट्स। मनाली का एक अपना ही ओल्ड चार्म है विच मेक्स इट वन ऑफ द परफेक्ट प्लेसेस टू विजिट इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपको मिलेंगे स्काई टचिंग फॉरेस्ट्स, स्नोई माउंटेन्स एंड रोड्स, ग्लिसनिंग लेक्स एंड एंडलेस पास्चर्स। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यू आर अ सोलो ट्रैवलर लुकिंग फॉर अ मैजिकल गेट अवे, ट्रैवलिंग विद फैमिली और अ हनीमून ट्रिप विद योर बिलव्ड। मनाली हर ओकेजन के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। So, if you have holiday on mind, then Manali is a perfect location for it. इस वीडियो में हम आपको मनाली की ऐसी 8 places के बारे में बताएंगे which you should definitely visit there. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then do it now and press the bell icon to get the notifications of our new videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first place we are going to talk about is Hidimba Temple. 16th सेंचुरी में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया हिडिंबा टेम्पल मनाली का एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू हिडिंबा देवी, द वाइफ ऑफ भीमा। ये टेम्पल चारों तरफ से लंबे और थिक सदारवुड से घिरा हुआ है एंड हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो इस जगह को काफ़ी काम और पीसफुल वाइब देते हैं। एक्चुअली सेट ऑन अ स्टोन एंड हैज़ अ कम्प्लीटली वुडन आर्किटेक्चर। इसके काफ वुडन दरवाजे, दीवार और कोनशेप रूफ इसको बाकी टेम्पल से अलग बनाते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा टेम्पल भी है विच इज़ डेडिकेटेड टू घटोत्कच हिडिंबा सन, सो डोंट मिस दिस प्लेस। लोकेटेड 8400 फीट अबव सी लेवल, सोलंग वैली मनाली से बस 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक परफेक्ट लोकेशन है फॉर पीपल हु आर एडवेंचर स्पोर्ट लवर्स। समर्स में यहाँ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, कैंपिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। यू कैन ऑल्सो गो ऑन अ केबल कार एंड एन्जॉय द व्यू ऑफ हिमालयाज। अगर आप स्नो में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लाइक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, तो यू शुड कम हियर ड्यूरिंग विंटर सीजन। यहाँ खाने पीने के लिए आपको कई सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी वे यू कैन एन्जॉय मैगी, टी एंड अदर स्नैक्स, सो मेक श्योर यू विजिट हेयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मनाली की मोस्ट टूर्ड प्लेस है रोहतांग पास विच इज़ लोकेटेड ऑन पीर पंजाल रेंज। सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर दिस पास विल लीव यू ब्रेथलेस विद इट्स क्लियर ब्लू स्काइज, फ्लफी स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स एंड स्प्रॉलिंग लैंडस्केप्स। ये जगह बहुत फेमस है बिटवीन नेचुरल लवर्स, आर्टिस्ट्स एंड फोटोग्राफर्स। इसके अलावा आप यहाँ पे कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग एंड टायर ड्रॉप। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवी जब वी मेट का सॉन्ग ये इश्क हाय रोहतांग पास में ही शूट हुआ था। काफ़ी बर्फ पड़ने की वजह से रोहतांग पास को विंटर्स में बंद कर दिया जाता है एंड रोहतांग पास की ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टूरिस्ट्स को रेगुलेटेड एक्सेस ही देती है, सो मेक श्योर टू टेक परमिशन बिफोर गोइंग हेयर। अब चलते हैं उस जगह जिसकी बहुत ही स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वशिष्ठ टेम्पल। कहा जाता है कि ये मंदिर 4000 साल पुराना है। ब्यास नदी से बस 3 किलोमीटर दूर दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू ऋषि वशिष्ठ, जो कि भगवान राम के कुल गुरु थे। वशिष्ठ मंदिर में आपको मिलेंगे वुडन कार्विंग्स, एंटीक फिगर्स एंड पेंटिंग्स। इस जगह को और भी खास बनाते हैं यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स विच आर नोन फॉर देयर हीलिंग प्रॉपर्टीज़, सो टेक अ डिप इन द वाटर टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। ऑल्सो देयर आर सेपरेट बाथ एरियाज फॉर मैन एंड वुमेन। यहाँ आस पास आप शॉपिंग भी कर सकते हैं फॉर सोवेनियर्स एंड वुलन्स। अब चलते हैं वशिष्ठ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर जोगिनी फॉल्स, जिसको मनाली का वन ऑफ द बेस्ट हाइकिंग एंड पिकनिकिंग लोकेशन भी माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए यू कैन ट्रैक एंड साथ ही साथ यू कैन एंजॉय वाइल्ड ऑर्चर्ड्स, स्मॉल क्रीक्स एंड पाइन वुड्स। रास्ते में आपको रिवर ब्यास और रोहतांग के स्नो कैप पीक्स की झलक भी दिख जाएगी। यहाँ बैठ कर ट्रैवलर्स इंजॉय करते हैं ये 160 फीट टॉल वाटरफॉल, साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग विद टी एंड हाउ कैन यू फॉरगेट पहाड़ों की मैगी। ऑल्सो जोगिनी फॉल्स के बेस पे कई छोटे छोटे मंदिर हैं जिस वजह से लोकल्स इसको काफ़ी सेक्रेट मानते हैं।
अगर आप मनाली के रश और क्राउड से दूर जाना चाहते हैं देन ओल्ड मनाली इज द परफेक्ट प्लेस टू बी इन। ओल्ड मनाली बैकपैकर्स के लिए हेवन है विद इट्स रस्टिक एंड चार्मिंग कैफेज। वैसे तो ये जगह मॉल रोड से बस 2-3 किलोमीटर दूर है बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि यू हैव कम टू डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। ओल्ड मनाली में आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स के बेस्ट व्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यू कैन गो कैफे क्रॉलिंग एट सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफेज लाइक कैफे 1947, बॉर्न फ्री, एवरग्रीन एंड सनशाइन। और यू कैन गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री एंड बाय ड्रीम कैचर्स, बोहो क्लोदिंग, श्रग्स एंड वुलन्स। कसौल से 4 किलोमीटर दूर मणिकरण साहिब एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है इन द पार्वती वैली। मणिकरण साहिब एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है एंड इसको और स्पेशल बनाते हैं यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स। यहाँ पे देर आर डिफरेंट सेक्शन फॉर मेन एंड वुमेन टू बाथ इन। दिस हॉट स्प्रिंग्स कंटेन सल्फर जिसकी वजह से माना जाता है कि इस पानी से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मणिकरण साहिब का पानी इतना गर्म है कि इसमें लोग खाना भी बनाते हैं। एंड अगर आप यहाँ आए हैं तो मेक श्योर यू ईट यहाँ का डिलीशियस लंगर। बिल्ट बाय राजा सिद्ध सिंह ऑफ कुल्लू इन 15th century, नगर कैसल इज लोकेटेड ऑन द बियास वैली इन बिटवीन ऑफ रनिंग हिल्स। ये कैसल इस जगह का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है। लकड़ी और पत्थर से बना नगर कैसल का आर्किटेक्चर एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ हिमालयन एंड यूरोपियन स्टाइल्स। यहाँ से यू कैन एंजॉय फैंटास्टिक व्यूज ऑफ द टाउन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट्स। एंड इफ़ यू आर समवन हु लव्स पेंटिंग्स तो आपको ये कैसल और पसंद आएगा बिकॉज यू विल फाइंड द मैग्निफिसेंट आर्ट ऑफ निकोलस रॉरिक, एक फेमस रशियन पेंटर जो मनाली आए थे। इफ़ यू गेट टाइम देन यू कैन ऑल्सो विजिट मनु टेम्पल, भृगु लेक, हमटा पास, अर्जुन गुफा, नेहरू कुंड एंड ऑफ कोर्स मनाली की मॉल रोड वे यू कैन शॉप फॉर योर हार्ट्स डिज़ायर। सो दीज वर आर सजेशंस फॉर द प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। डू लेट अस नो विच प्लेस यू लाइक द मोस्ट, जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको कोई और डेस्टिनेशन पर वीडियो चाहिए तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। And if you liked our video, then please press the like button and share it with your friends and family. Thanks for watching.